प्रयागराज में माघ मेले में मकर संक्रांति के मौके पर दूसरे दिन भी श्रद्धालुओं ने लगाई आस्था की डुबकी। इस दौरान श्रद्धालुओं की कड़ी सुरक्षा के इंतजाम किए गए। वाराणसी में भी लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा घाट पर स्नान किया, मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। गोरखपुर में आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई। सुबह 4 बजे सीएम योगी ने बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाया, इसके बाद आम श्रद्धालुओं के लिए मंदिर का पट खोल दिया गया। आज से शुरू होगा काशी के विकास का टेंट अध्याय। रेत वाले शहर पर पर्यटकों की एंट्री होगी। दोपहर 2 बजे के बाद टेंट सिटी में पहुंचेगी टूरिस्ट की पहली खेप। आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन, इस मौके पर मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। साथ ही मायावती द्वारा लिखी गई ब्लू बुक भाग 18 का विमोचन किया जाएगा। कौशाम्बी के पारा हसनपुर गांव में मिला हिमालयन गिद्ध, विशालकाय गिद्ध को देखकर ग्रामीण हैरान। ग्रामीणों ने गिद्ध को पकड़कर वन विभाग को सौंपा। बहराइच में शॉर्ट सर्किट से बेकरी की दुकान में भड़की आग, दुकान में रखा सारा सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की टीम ने बुझाई आग। नगर कोतवाली इलाके की घटना। इटावा के नौरंगाबाद में पूर्व सभासद के घर पर दबंगों ने किया पथराव। हमले में पूर्व सभासद, उसके बेटे घायल। घर की महिलाओं ने हमले का वीडियो बनाकर वायरल किया। मुरादाबाद के मझौला इलाके में पति पत्नी की संदिग्ध मौत। पति की बॉडी घर में पंखे से लटके मिली, पत्नी का शव बिस्तर पर मिला। पुलिस अधिकारी मामले की तफ्तीश में जुटे। बांदा में चलती कार के ऊपर बैठकर युवक के हुड़दंग करने का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक रील बनाते दिखाई दे रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटे। बाराबंकी में लाइसेंस रिन्यूअल कराने के नाम पर फर्जी रिपोर्ट लगाने की घूस की बातचीत वाले फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ बर्खास्तगी की कार्रवाई के आदेश। फिरोजाबाद में शराब के नशे में रिटायर्ड फौजी ने एक युवक को घर बुलाया, गोली मार दी। युवक बाल बाल बचा, पुलिस रिटायर्ड फौजी की तलाश में जुटी। लखनऊ में एक शख्स ने गोमती पुल से कूदकर आत्महत्या कर ली। लखनऊ विश्वविद्यालय कुलपति आवास पर काम करता था युवक। बुलंदशहर में फर्नीचर व्यापारी और कॉन्ट्रैक्टर के घर पर सीबीआई की छापेमारी। 2 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली रेड, सीबीआई के 7 से 8 अधिकारी ने ली तलाशी। उन्नाव में गल्ला व्यापारी से 70,000 की लूट, नशे में धुत दबंगों ने गल्ला व्यापारी से मारपीट कर छीने 70,000 रुपए। बांगरमऊ कोतवाली के सिरधरपुर चौराहे की घटना। पथराव और बमबाजी मामले में कानपुर सहित 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, सभी पर गुंडा एक्ट गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। आगरा पुलिस ने 15,000 के इनामी को गिरफ्तार किया। आरोपी अभियुक्त ने महिला से दुष्कर्म कर वीडियो बनाया था। अभियुक्त के खिलाफ कागारोल कमिश्नरेट में दर्ज था मुकदमा। नाबालिग लड़की से दुष्कर्म मामले में मई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, इन पर जादू टोना का डर दिखाकर बलात्कार का आरोप। आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। औरैया में तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पुलिया से टकराई, हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल। राहगीरों की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला गया। फतेहपुर में 2 ट्रकों की आपस में भिड़ंत, चालक परिचालक सहित 3 लोग हादसे में घायल। जिला अस्पताल में सभी घायलों को भर्ती कराया गया। प्रयागराज से कानपुर जाते समय हुआ हादसा। पार्क में अश्लील प्रैंक बनाकर वायरल करने वाले युवक की गोरखपुर पुलिस ने गिरफ्तारी की, साथ ही ऐसे युवक पर सख्त कार्रवाई की बात कही। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के 10 दिन बाद भी बिकरू कांड के आरोपी खुशी दुबे जेल से बाहर नहीं आ सकी हैं। अभी तक जमानत के लिए दाखिल दस्तावेज का वेरिफिकेशन नहीं हो सका है। कानून व्यवस्था के मद्देनजर जालौन के कई इलाकों से पुलिस ने पैदल मार्च किया। एसपी इराज राजा के नेतृत्व में पुलिस फोर्स के साथ शहर के प्रमुख चौराहों से गश्त की गई। प्रधानमंत्री आज एक और वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन सिकंदराबाद को विशाखापट्टनम से जोड़ेगी। भारतीय सेना का 75वां स्थापना दिवस आज। बेंगलुरु में थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे की मौजूदगी में विशेष परेड का आयोजन।
जालंधर के कांग्रेस सांसद संतोष सिंह चौधरी का आज अंतिम संस्कार। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान संतोष सिंह का दिल का दौरा पड़ने से निधन हुआ था। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में ट्रक और कार में टक्कर, हादसे में एक युवक की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में स्कूल की छात्रा को बेकाबू ट्रक ने रौंदा, छात्रा की मौत से आक्रोशित लोगों ने ट्रक में लगाई आग। मध्य प्रदेश की शहडोल में 92 साल की बुजुर्ग महिला से रेप, रिश्तेदार के घर जाते समय रास्ते में अनजान शख्स ने दी लिफ्ट, जंगल ले जाकर रेप किया, पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू की। इंदौर में जन्मदिन पर तलवार से केक काटने का वीडियो वायरल, पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बर्फ हटाने का काम जारी, 13 जनवरी को हुई भारी बर्फबारी की वजह से सड़कों पर जमी बर्फ की मोटी परत, लोगों को परेशानी। जम्मू कश्मीर के डोडा, बर्फबारी ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, सड़क पर जमी बर्फ की वजह से घरों में कैद रहने को मजबूर, रास्तों से बर्फ हटाने का काम जारी। दिल्ली में एक बार फिर से ठिठुरन बढ़ी, आने वाले दिनों में शीतलहर चलने से न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने का अनुमान। दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड की तैयारियां शुरू, फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान दिखा जवानों का जोश हाई। आपदा प्रबंधन टीम जोशीमठ का दौरा करेगी, इस दौरे में आपदा अपर सचिव, जियोलॉजिस्ट, केंद्रीय अधिकारी मौजूद रहेंगे। रुड़की में कृष्णानगर में देर शाम हाई वोल्टेज आने से अचानक धमाका हुआ, दर्जनों से अधिक घर हाई वोल्टेज की चपेट में आए, आसपास के लोगों में दहशत। टनकपुर शारदा घाट पर पहुंचे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मां गंगा की आरती उतारी, आशीर्वाद लिया, प्रदेश की खुशहाली, जोशीमठ आपदा को लेकर प्रार्थना की। बागेश्वर में वर्चुअल रूप से सीएम धामी ने मेले का शुभारंभ किया, इस दौरान सीएम धामी बोले, इसी धरती से अंग्रेजों के खिलाफ आजादी का बिगुल फूंका गया था। रुद्रपुर में शैल सांस्कृतिक समिति ने उत्तरायणी पर्व का आयोजन किया, कार्यक्रम में जिला जज प्रेम सिंह किवाल ने शिरकत की, डीएम और एसएसपी भी मौजूद रहे। गंगोत्री में विधायक सुरेश चौहान ने माघ मेले का शुभारंभ किया, मेले में अगले 10 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम में दिखेगी झलक। पेपर लीक को लेकर अल्मोड़ा में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रदीप टम्टा ने मुख्यमंत्री से की इस्तीफे की मांग, कहा मामले की हो सकती है सीबीआई जांच। पटवारी परीक्षा का पेपर लीक होने से कर्णप्रयाग में कांग्रेस का हल्ला बोल, आक्रोशित कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। हरिद्वार में सिडकुल के रीजनल मैनेजर ने शराब पीकर जमकर हंगामा काटा, लोहड़ी के कार्यक्रम के दौरान लोगों से बदसलूकी की, मौके पर पहुंची पुलिस ने मामला शांत कराया। उधम सिंह नगर के पुलभट्टा में पुलिस ने 10 ग्राम स्मैक के साथ एक आरोपी को किया गिरफ्तार, रेलवे क्रॉसिंग कोलकाता के पास से पकड़ा गया आरोपी तस्कर। मुनस्यारी में 85 परिवार अफट रही धरती के बीच क्षतिग्रस्त मकानों में रहने को मजबूर, 14 परिवार पहले ही मकान छोड़कर सुरक्षित स्थान शिफ्ट कर चुके हैं। रुड़की में जोशीमठ में आई आपदा के लिए किया गया सूर्य यज्ञ मंत्रोच्चार, 108 आहुतियां दी गई। आइए सुनो, यूपी में बात करते हैं बीएसपी सुप्रीमो मायावती की, जिनका जन्मदिन है। बीएसपी आज जन कल्याण दिवस के तौर पर जन्मदिन मनाने वाली है, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, संबोधित करेंगी, और मायावती की तरफ से लिखी गई बीएसपी की ब्लू बुक पार्ट 18 को भी अनवील किया जाएगा, उसका विमोचन होना है, ब्लू बुक भाग 18 का विमोचन होना है। लखनऊ में सुबह 11 बजे बीएसपी ऑफिस में यह कार्यक्रम है जिसका आयोजन होना है। 2024 के मद्देनजर संगठन की मजबूती पर जोर रहेगा। आपको बताएं कि आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और इसी मौके पर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। इसके साथ उनकी लिखी किताब ब्लू बुक पार्ट 18, मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा, ये टाइटल है।
इसे विमोचित किया जाएगा। तो देखिए, मायावती प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। उनकी ब्लू बुक पार्ट 18 का विमोचन होना है और जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के तौर पर बीएसपी मनाने वाली है। तो देखिए, 2024 के मद्देनजर सिर्फ जन्मदिन ही मौका नहीं है, इस मौके पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती मीडिया के सामने आएंगी, अपनी बात रखेंगी, ब्लू बुक का विमोचन करेंगी। इसके साथ ही देखना यह होगा कि किस तरीके से वो सत्ता पक्ष पर या फिर समाजवादी पार्टी पर हमलावर होती हैं। अमूमन प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुछ ना कुछ ऐसे देखने या सुनने को मिलता है, लेकिन मायावती के जन्मदिन पर खास क्या है, आइए देखते हैं। बसपा अध्यक्ष मायावती का 66वां जन्मदिन आज है। बसपा बना रही है जन कल्याण दिवस, हर जिले में जन्मदिन समारोह होगा, मायावती की किताब का विमोचन होना है। टाइटल है मेरे संघर्ष में जीवन एवं बीएसपी मूवमेंट का सफरनामा, इसका विमोचन होगा। बसपा अध्यक्ष मायावती ने यह किताब लिखी है। जन्मदिन पर मायावती का यह बड़ा ऐलान संभव माना जा रहा है, जहां 2024 को लेकर किसी बड़े ऐलान का इशारा हो रहा है, संगठन को लेकर भी कोई बड़ा ऐलान कर सकती है मायावती। तो देखिए, ना सिर्फ सत्ता पक्ष पर हमलावर होने की बात, बल्कि अपने संगठन को लेकर भी वो कुछ नया कह सकती हैं। जन्मदिन में एक्शन मोड में मायावती हैं, ये बात समझ आ रही है। मायावती की 2024 वाली रणनीति क्या है, पार्टी की मजबूती पर जोर, 2024 में जनता से संवाद पर फोकस, दलित युवाओं पर फोकस, 50% युवाओं को जोड़ने पर जोर, तो मुस्लिम पिछड़ों को तरजीह देने की कवायद, 2024 के लिए टारगेट तय कर कार्यकर्ता बनाने का लक्ष्य, मुस्लिम नेताओं को जिम्मेदारी, और 2019 में बसपा के 10 सांसद जीते थे, ऐसे में 24 में टारगेट कितना रखा जाता है और किस तरीके से ये जिम्मेदारी बांटी जाती है, ये सारी रणनीति कहीं ना कहीं यहीं से तय हो सकती है या पहले से तय हो तो उसे साझा किया जा सकता है। आइए ग्राउंड का रुख करते हैं, लखनऊ लिए चलते हैं, हमारे सहयोगी अनुभव के पास ज्यादा जानकारी है। अनुभव, ये बताएं कि सिर्फ जन्मदिन का मौका है, किताब का विमोचन है, या 24 के मद्देनजर क्या क्या चीजें ग्राउंड पर दिखाई दे रही हैं आपको, जिसे साधने की आज कोशिश की जा सकती है? देखिए, बिल्कुल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और एक ऐसी हम कहें लीडर हैं मायावती, जिनके जन्मदिन को कार्यकर्ता बहुत धूमधाम से मनाते हैं। हमने तो लंबे समय से देखा है, हालांकि बीच में कोरोना था तो 2 वर्षों तक उसे नहीं मनाया गया, पर इस बार देखिए आप किस तरीके से तैयारी है। ये बहुजन समाज पार्टी का जो लखनऊ मुख्यालय है वहाँ का गेट है और आप देखिए किस तरह से फूलों की लड़ी से सजाया गया इस पूरे गेट को, और ये पूरा इलाका आप देखें, क्योंकि ये बीएसपी का कार्यालय, इसके ठीक बगल में 9 माल एवेन्यू जो वो मायावती का आवास है, तो वहां किस तरीके से पूरे झंडे लगाए गए हैं और तमाम जो हम कहें जो आंदोलन के लोग हैं, जिन्होंने दलित आंदोलन, दलित चिंतक, उनकी तस्वीरें, बड़े बड़े होर्डिंग कटआउट लगाए गए, और ये देखिए पार्टी का झंडा भी लगाया गया। तो 67वां जन्मदिन है आज बीएसपी सुप्रीमो मायावती का, ना केवल लखनऊ में तो कार्यक्रम हो रहा है, खुद मायावती आएंगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी, जो किताब है जिसे उन्होंने खुद लिखी है मेरे संघर्ष में जीवन एवं जो बहुजन समाज का जो मूवमेंट है उसका सफरनामा, उसका 18वां संस्करण आज यहाँ पर वो विमोचन उसका करेंगे, और साथ ही साथ एक गीत जो उनके जन्मदिन के पहले आपने सुना, कैलाश खेर ने जिसे आवाज़ दी है, हो सकता है उसका जो वीडियो वर्जन है उसे भी आज रिलीज करें। तो ये पूरा कार्यक्रम यहाँ पर 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, लेकिन उससे पहले ही मूवमेंट यहाँ पर बढ़ा हुआ है पार्टी कार्यालय पर, तमाम सारे जो लोग हैं पार्टी से जुड़े हुए वो यहाँ पहुँच रहे हैं, और इसके अलावा कुछ भंते जो हैं वो भी हमें यहाँ पर नजर आए, वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं मायावती को आशीर्वाद देने के लिए, और बीएसपी सुप्रीमो तकरीबन 11 बजे ठीक वो यहाँ पहुँच जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस संबोधित करेंगे। आपने कहा कि क्या कुछ और देखने को मिल सकता है, देखिए बीएसपी भी तैयारी कर रही है 2024 के लोकसभा चुनाव की और उससे पहले स्थानीय निकाय के चुनाव की। सबसे बड़ी रणनीति जो बदली है बीएसपी ने वो ये है कि कैसे मुस्लिम वोट बैंक को अपने साथ रखा जाए। बिल्कुल, आपने इसीलिए देखा होगा सहारनपुर में कैसे इमरान मसूद ने पार्टी ज्वाइन की, उनकी पत्नी को मेयर का टिकट दिया, फिर आपने प्रयागराज में देखा अतीक अहमद की पत्नी को मेयर कैंडिडेट बनाया है। तो फोकस अब यह है कि कैसे जो मुस्लिम वोट बैंक है उसको अपने साथ रखा जाए,
क्योंकि बीएसपी को भी पता है कि अगर वो साथ आ गया तो यही वो चीज है जो समझनी होगी इस उत्तर प्रदेश की सियासत में कि हाथी की चाल आखिरकार है क्या। जो दलितों की पार्टी कहती है लेकिन समाजवादी पार्टी एम वाई समीकरण का जिक्र करती है, उसमें से एम समीकरण को अपने साथ जोड़ने की पूरी कवायद है। और कुल मिलाकर के आज जन्मदिन से कैसे ऐलान होंगे अनुभव, ये सब कुछ देखना बहुत दिलचस्प होगा। आप नजर बना करके रखिएगा। फिलहाल जानकारी के लिए शुक्रिया। बीएसपी ऑफिस से हमारे सहयोगी अनुभव थे। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कानपुर दौरे पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी रहने वाले हैं। सुबह 11 बजे कानपुर के साकेत नगर वो पहुंचेंगे। बीजेपी प्रत्याशी अरुण पाठक के कार्यालय का वो उद्घाटन करेंगे। भाजपा की ओर से स्नातक एमएलसी के उम्मीदवार हैं अरुण पाठक। शिक्षक एमएलसी उम्मीदवार वेणु रंजन भदौरिया के दफ्तर का भी वो उद्घाटन करने वाले हैं। सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रतीश का कानपुर से और जानकारी लेते हैं कि किस तरीके की तैयारी है और इस बैठक के मद्देनजर क्या कुछ वो देख पा रहे हैं, पर्दे के पीछे कैसी रणनीति सुनाई दे रही है, दिखाई दे रही है रतीश? देखिए, स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव को लेकर के अगर बात की जाए तो आज केंद्रीय कार्यालयों का उद्घाटन है और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी कानपुर पहुंचेंगे। लेकिन मामला यही नहीं है, मामला शिक्षक एमएलसी की सीट पर जो फंसा हुआ है। डॉक्टर दिवाकर मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी शिक्षण संस्थान प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक हैं, उन्होंने बागी सुर अपना रखे हैं। बगावत दिखाते हुए उन्होंने नामांकन दाखिल किया, नामांकन पर्चा वापस करने का 16 तारीख का दिन है, लेकिन वो अभी तक अपनी प्रत्याशिता पर अड़े हुए हैं। पार्टी की अगर बात की जाए तो पार्टी ने आधिकारिक प्रत्याशी के रूप में वेणु रंजन भदौरिया को शिक्षक एमएलसी सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया है, जो उन्नाव के रहने वाले हैं। उन्होंने भी ठीक अगले दिन ही पर्चा दाखिल किया हुआ है, लेकिन दिवाकर मिश्रा नाराज हैं। वो दिल्ली गए थे, बड़े नेताओं से मुलाकात की और उसके बाद वापस लौटे हैं और एक ही बात कह रहे हैं कि वो पार्टी के निर्देशों का पालन करेंगे। जब उनसे सवाल किया जाता है कि आप वो नामांकन वापस लेंगे, अपना पर्चा वापस लेंगे, इस पर वो कुछ नहीं कहते। वेणु रंजन भदौरिया से जब हमने सवाल किया तो वो ये कह रहे हैं कि दिवाकर मिश्रा का आशीर्वाद उनके साथ है, लेकिन तमाम कार्यकर्ताओं के बारे में दिवाकर मिश्रा तो बोलते हैं लेकिन वेणु रंजन भदौरिया को आशीर्वाद देने के लिए वो तैयार नहीं है। तो ये रस्साकसी चल रही है। पार्टी ने जो आधिकारिक प्रत्याशी बनाया है उसके खिलाफ बगावती सुर अपनाते हुए दिवाकर मिश्रा मैदान में है। दरअसल इसी चीज को संभालने के लिए आज प्रदेश अध्यक्ष कानपुर पहुंच रहे हैं। हो सकता है दिवाकर मिश्रा से मुलाकात करें और कल देखा जाए कानपुर का मैदान और ये पूरा मैच इतना दिलचस्प हो चुका है कि अपनी ही टीम के दो खिलाड़ियों के बीच सेटिंग करने के लिए अध्यक्ष को पहुंचना पड़ रहा है। देखते हैं कि कल से पहले आज कैसे बात होती है कि थोड़ी तस्वीर स्पष्ट हो जाए। दिलचस्प रहेगा कानपुर की इस अपडेट पर, नजर हमारी बनी रहेगी, दर्शकों तक जानकारी देंगे। रति शुक्रिया। आइए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं गोरखपुर की, जहां आज से खिचड़ी मेले की शुरुआत हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्म मुहूर्त में यानी करीब 4 बजे बाबा गोरक्षनाथ की विशेष पूजा अर्चना की, इसके बाद उन्हें खिचड़ी चढ़ाई। परंपरागत रूप से नेपाल नरेश की पहली खिचड़ी चढ़ाने की सदियों से रवायत चली आ रही है, परंपरा चली आ रही है और सीएम की पूजा अर्चना के बाद मंदिर के पट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। इसके बाद श्रद्धालु जयकारे के साथ बाबा गोरक्षनाथ को खिचड़ी चढ़ाने के लिए आने लगे। मुख्य द्वार से लेकर मुख्य मंदिर तक श्रद्धालुओं ने बाबा के जयकारे लगाते हुए खिचड़ी चढ़ा रहे हैं और वो 1 महीने तक खिचड़ी चढ़ा सकते हैं। श्रद्धालुओं की आस्था बाबा गोरखनाथ के दरबार में जमकर उमड़ी है। पहले दिन हद से ज्यादा भीड़, इस बीच भीड़ को संयमित और नियंत्रित करने के लिए एटीएस के साथ पुलिस और पीएसी के जवान मंदिर के प्रशासन में गश्त पर लगे हुए हैं। सीधा रुख करते हैं ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे का, जो कि सुबह से लगातार तस्वीरों के साथ जानकारी दे रहे हैं, क्योंकि वक्त के साथ साथ भीड़ भी बढ़ती चली जाती है और लगता है कि मंदिर के पास पहुंच चुके हैं आप। वीरेश, क्या कुछ देख पा रहे हैं? देखिए, मैं देख रहा हूँ श्रद्धालुओं का जिस तरीके से एक भाव है और आस्था है वो किस रूप में यहाँ पर गोरक्षनाथ मंदिर में आए हैं और दर्शकों को जो घर के अंदर है उन्हें गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष बाबा का दर्शन करा रहा हूँ मैं और तस्वीरों के जरिए वो दर्शन कर सकते हैं। इस मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर सनातन धर्म में इस अवसर का बेहद महत्व है और आप देखिए जो श्रद्धालु हैं वो खासकर महिलाएं किस रूप में चावल, अक्षत, फल, फूल और सब्जियों को ज़्यादा से ज़्यादा
छींटने का, एक तरीके से बाबा तक पहुंचाने की कोशिश उनकी निरंतर बनी हुई है कि उनका, उनके हाथ से फेंका हुआ जो अक्षत है, जो चावल है, जो खिचड़ी है, वो प्रसाद के तौर पर बाबा तक पहुंच जाए। इसलिए जोर लगाकर वो गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष बाबा तक अपनी खिचड़ी पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं और ये सवेरे से चल रहा है, ये हुजूम है और इस हुजूम, ये श्रद्धा एक सैलाब की तरह उमड़ा हुआ इस गोरक्षनाथ मंदिर के अंदर की ये तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच से मैं आँखों देखा हाल आपको बयां कर रहा हूँ। और क्या स्थिति है, दर्शकों को एहसास होगा कि टेलीविज़न स्क्रीन पर जो सामने दिखाई पड़ रहा है ये गोरक्षनाथ मंदिर का, जो बहुत ही सनातन धर्म में बेहद महत्व है। और आप देखिए कि चावल और उसका एक भंडार, एक पूरी तरीके से वहाँ कोशिश की जा रही है कि उसे कैसे संभाला जाए, जो प्रसाद चढ़ाया गया है उसका एक बड़ा एक वो इकट्ठा हुआ है और वो आप देख सकती हैं। आप देखिए जो हुजूम है दर्शनार्थियों का, बाबा हो करके अब बाबा तक पहुंचा के मानेंगी और फिर का, अच्छा कह रही हैं और का बाबा तक पहुंचा के मानब। हाँ, तो ये एक तरीके से अपना एक जोश है। और मैं हरिओम से कहूँगा एक बार पीछे भी दिखा दें दर्शकों को कि इस प्रांगण के अंदर जो बड़ा सा हॉल है उसके अंदर कितनी भीड़ है, क्योंकि इस पर्व का अपना महत्व है और इस महत्व की वजह से यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आते हैं और ख़ासकर बिहार से, यूपी से, पूर्वांचल से, नेपाल से बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ इकट्ठा हुई है और निरंतरता ये बनी हुई है 4 बजे से। सबसे पहला जो प्रसाद है, जो खिचड़ी है, वो गोरक्ष पीठाधीश्वर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चढ़ाया, उसके बाद नेपाल के राजा की तरफ से भेजी गई खिचड़ी को चढ़ाया गया और फिर श्रद्धालुओं के लिए, आम नागरिकों के लिए ये दरवाज़ा खोल दिया गया मंदिर का। और पट खुलते ही इतनी ही संख्या में श्रद्धालु जो लाइन लगा कर खड़े थे, उन्होंने यहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन और जो फूल है और बाकी जो भी मकर संक्रांति में जो शास्त्रोचित तरीका है उसके तरीके से, आप देखिए कि कितनी बड़ी संख्या में लोग किस कोशिश कर रहे हैं कि गोरक्षनाथ मंदिर में गोरक्ष बाबा तक उनकी खिचड़ी पहुंच जाए और पूरे फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ महिलाएं खिचड़ी फेंक रही हैं और ये खिचड़ी लगातार इतनी इकट्ठा हो जा रही है क्योंकि इतनी भीड़ के बीच बहुत सारे लोग हैं जो पहुंच भी नहीं पाते हैं, लेकिन कोशिश लगातार हो रही है, अब ये हम देख सकते हैं आपके कैमरे के जरिए। शुक्रिया वीरेश, गोरखनाथ मंदिर से इन तस्वीरों पर लगातार हम बने हुए हैं और वक्त के साथ इस मेले की रौनक रंगत बढ़ती चली जाएगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।